प्रार्थना भवन टीवी देखने वाले सबको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। उनकी दया और करुणा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारा हर कार्य क्षेत्रों पर कायम रहे। हे प्रभु यीशु, करुणामय ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस प्रार्थना भवन टीवी के लिए। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुनने वाला प्रत्येक के लिए, छोटे बड़ा सबके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस समय घर में कई लोग परेशान हैं, कई बातों को लेकर परेशान हैं प्रभु, आप जानते हैं। हे प्रभु, और आपने कहा तुम्हारा मांगने से पहले ही मेरे स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हर एक को क्या क्या चाहिए प्रभु आप जानते हो, मैं नहीं जानता प्रभु, कोई नहीं जानता प्रभु। हर एक का दुख तकलीफों को आपको पवित्र चरणों पर सौंप देते प्रभु, और आपसे विनती करते हैं प्रभु, प्रत्येक के ऊपर दया बरसाइए प्रभु। हे माता मरियम, प्रार्थना भवन टीवी देखने वाला हर एक के लिए मध्यस्थ कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारा मरने के समय, आमेन। किस्मे मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वरीय दया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं ईश्वर दयालु नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार में ये किया, वो हो गया, मेरे एक लौते पुत्र था, एक बेटा था, वो ख़त्म हो गया। कई लोग कई तरह का शिकायत करते हुए मैंने देखा है। ये हमारा अज्ञानता है, हमारा गलती है, मैं बोलूँगा ये हमारा पाप भी है। ईश्वर दयालु है, अगर हमारे ऊपर वो दया नहीं बरसाता है तो इसका कारण हम है, वो नहीं। समझो कि बारिश हो रहा है, अपना सर का ऊपर चाहता है तो, और बारिश का पानी नहीं आता, इसी तरह उनका जो बरकत का बारिश हम पर कभी कभी नहीं आता है, हमारा अपना पापों का कारण। हमारा पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, दूर किया है, अभी भी कर रहा है। इसलिए कभी भी ईश्वर पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है, वो एक बड़ा पाप भी है। हमें अपना अंतरतम अंतर आत्मा का जांच पड़ताल खुद करना है, और उसके बाद हमें ईश्वर का अभिमुख होना है। ईश्वर का अभिमुख हमें उनके चेहरे के तरफ देखना है, लहू लहान चेहरा, उनका पीड़ा, उनका दुखों की तरफ हमें ध्यान देना है। ये सब उन्होंने क्यों सहा? अगर हम कुछ सहते हैं तो हम पाप ही है। हमारे माता पिता पूर्वजों का पापों का बोझ लेकर हम इस संसार में आया, और हमारे वातावरण पाप में है। हम जिस संसार में जी रहे हैं, हमारे चारों ओर पाप फैला हुआ है, और इन दिनों आजकल पाप का भावचान भी अलग हो गया। तो इसलिए इस पाप में अवस्था में रहते हुए ईश्वर के ऊपर दोषारोपण करना बहुत बड़ा पाप है, मैं दोबारा आपसे बताना चाहता हूँ। ईश्वर दयालु है, करुणा में है, इसका प्रमाण बाइबल हमें देखता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में पढ़ता है, पाप कर जो ईश्वर कृपा से जो दूर हुआ, उस मनुष्य को मुक्ति देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा, एक वायदा प्रभु करता है। स्वाम से यानी सैतान से कहता है, मैं तेरे विरुद्ध और स्त्री के विरुद्ध मैं वैर उत्पन्न करूँगा, मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसका वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3:15। ये क्यों ऐसा बोला? इसका कारण एक ही है, शैतान को हराने के लिए, शैतान को ऊपर विजय देने के लिए, को मानव जाति को शैतान से मुक्ति दिलाने के लिए एक मुक्ति दादा का जन्म होना जरूरी समझा। वो मुक्ति दादा और कोई नहीं, प्रभु यीशु था। वो जो स्त्री और कोई नहीं था, माता मरियम थी। माता मरियम हमेशा शैतान से लड़ता है हमारे लिए। माता मरियम से शैतान बहुत वैर करता है। जो लोग जपमाला मालावंती जो पढ़ता है विश्वास में, माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, शैतान वो बात बिल्कुल पसंद नहीं करता है।
जिस परिवार माल्याबंदी अच्छी तरह हो रहे हैं उस परिवार में शैतान कभी घुस भी नहीं सकता। इसलिए ईश्वर का दया और अनुकंपा हमें समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मुक्तिदाता का रूप में ईश्वर होते हुए मनुष्य का रूप लेकर आया। पाप का कोई झलक उसमें नहीं था, निष्पापी था, फिर भी हमारा सारा पापों का बोझ उन्होंने अपर ऊपर उठा लिया, ले लिया। और वही प्रभु दयालु है, वो परमपिता दयालु है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, पवित्र आत्मा दयालु है, त्रिएक ईश्वर दयालु है। ईश्वरीय वचन में ईश्वर का दया, ईश्वर का अनुकंपा और ईश्वर का जो कृपा का झलक हमें उत्पत्ति से लेकर और प्रकाश ग्रंथ का हमें देखने को मिलता है। इसलिए क्रिस्तु में मेरे भाई बहनों, कभी भी ये सवाल नहीं करना, तुमने ऐसा क्यों किया, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे परिवार का साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। ईश्वर दयालु है, ईश्वर हमें दंड नहीं देता। जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे ऊपर न्याय करने के लिए आएगा, तब तक ईश्वर की ओर से किसी को कोई दंड नहीं मिलता। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। और कोई आग में पाव रखेगा उनका पाव जलेगा, और कोई दारू पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, उनका फेफड़ा खराब हो जाएगा, दारू पीने वालों को पेट खराब हो जाएगा, बाद में कैंसर पकड़ लिया या रोग आ गया, बाद में बोलेगा प्रभु तुमने ऐसे क्यों किया, ये कौन सा न्याय है। लेकिन अक्सर लोग यही करते हैं, हम अपना आचरण, हमारा विचार और हमारे कार्यशैली इसके बारे में सोचने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन ईश्वर के ऊपर आँख उठाने के लिए, ईश्वर के ऊपर हाथ उठाने के लिए, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सवाल करते आया। इसलिए कम से कम आज से ये सवाल करना बंद कीजिए, ये मेरा आपसे विनती है। दयालु ईश्वर, आप जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:9 में हम पढ़ते हैं, आदम पाप तो किया, पाप करने के बाद भी ईश्वर को पता लग गया कि आदम ने पाप किया, वो पाप कर दिया, ईश्वर से दूर हो गया, अपने आप को छिपाना चाहा, फिर भी आदम आदम पुकारते हुए, आदम को पुकारने वाले ईश्वर को हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:9 में। अभी भी ये हो रहा है, जब हम पाप करते हैं, हम ईश्वर से दूर होते हैं, ईश्वर हमारा इंतजार करते हैं। ईश्वर की वाणी द्वारा, ईश्वरीय वचन द्वारा, बाइबल द्वारा ईश्वर हमें अभी भी पुकारता है। ईश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा, हमारे अंतरतम द्वारा ईश्वर हमें पुकारता है। तो कहा हो तुम क्यों अंधकार में पड़े हो, ईश्वर ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, यौहन ग्रंथ सुसमाचार अध्याय 8:12। जो ईश्वर, जो संसार की ज्योति प्रभु यीशु मसीह, वो ज्योतिर्मय ईश्वर हमें पुकारते, हमें पाप का अंधकार में रहने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता, शैतान हमेशा ये चाहता है कि अंधकार में ही रहे, चोर चुराने के लिए, नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए आता है। मैं जो आया तुम्हें जीवन देने के लिए, प्रभु ने कहा अनंत जीवन देने के लिए, भरपूर मात्रा में जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु ने खुद कहा इस बात यौहन ग्रंथ सुसमाचार पद 10 में। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, ईश्वर के दया पर हमें गौर करना है। हम पापी होते हुए भी ईश्वर हमारे लिए अपना बलिदान दिया। संत पौलुस कहता है रोमियों की चिट्ठी में अध्याय 5:8 में, शायद एक धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए इस संसार में, शायद एक धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम पापी होते हुए भी प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। हम पापी होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि हमें मुक्ति दिलाने के लिए उनका मरना जरूरी था। ये ईश्वर का पिता का इच्छा था। यीशु ने कई बार कहा, ईश्वर का पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए मैं संसार में आया, मैं हमेशा उनका इच्छा क्या है उसका अनुसार चलता हूँ। वो पूरा दिन सेवा कार्य करता रहा, पूरी रात प्रार्थना करता रहा,
पिता परमेश्वर के साथ अपना संपर्क बनाए रखा। अगले दिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बोलना है, पिता से संपर्क। वचन का घोषणा पिता का इच्छा का अनुसार था। इसलिए हमें ईश्वर का इच्छा जानकर, ईश्वर का कृपा परखकर ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। पाप कर कर ईश्वर से हम विमुख हुआ, आज ईश्वर हमें पुकारता है, तुम कहाँ हो, तुम्हारे परिवार का अवस्था क्या है, तुम्हारे आत्मा का अवस्था क्या है, तुम पाप का कीचड़ में क्यों गिरे पड़े हो। मैं तुम्हारा हाथ दामना चाहता है, तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है। ईश्वरीय कृपा हमें देखने को मिलता है, ईश्वरीय करना हमें देखने को मिलता है। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 में बड़े सवेरे एक कुष्ठ रोगी कोढ़ी प्रभु के पास आता है। उस समय एक कोढ़ी को किसी यहूद के पास, लोगों के पास आना असंभव था, क्योंकि कोढ़ी लोगों को, कुष्ठ लोगों को समाज से दूर क्या करता था, उनसे कोई संपर्क नहीं था। उनको देखकर लोग उनको पत्थर मारता था, जाओ जाओ, उनके ऊपर गर्म पानी फेंकता था, क्योंकि उन लोगों का ये विचार था इसने बड़ा कोई पाप किया, इसलिए ईश्वर ने इसको दंड दिया। ये कोढ़, ये कुष्ठ ईश्वर का दंड है, इसलिए ईश्वर ने जिसको दंड दिया उसका साथ कोई मेल मिलाव नहीं था किसी का। लेकिन बड़ा सवारे जोखिम उठाकर, मैं मर जाए तो मरने दो, लोग मुझे पत्थर मारने से मारने दो, मेरे ऊपर पानी फेंके तो बहने दो, मैं जाऊँगा प्रभु यीशु मसीह के पास, मैं यीशु से विनती करूँगा, प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, अगर तुम चाहो मैं शुद्ध हो जाओ, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे शुद्ध कर सकते हैं प्रभु। ये करना का भीख था, दया का भीख। प्रभु ने उसे कहा, वचन कहता है प्रभु ने हाथ उठाकर उसको स्पर्श किया, उसे कहा मैं वही चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ, मैं वही चाहता हूँ। ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्या चाहता है, प्रभु ने खुद कहा, ये ईश्वर कोड़ी के लिए नहीं, हर एक के लिए। प्रभु कहते हैं मैं वही चाहता हूँ, तुम्हारा रोग, तुम्हारा पाप, तुम्हारा घर का परेशानी और तुम्हारा अशांति का जड़, तुम्हारे बेरोजगारी, तुम्हारे खेत बार बार खराब हो रहे, तुम्हारे परिवार में क्लाश, भाई भाइयों के बीच, बाप बेटों के बीच, पति पत्नियों के बीच, इससे तुम्हें मैं मुक्त दिलाना चाहता हूँ। वह मुक्ति दादा है, वह दयालु है। हम तो पाप करके ईश्वर से दूर हुआ, संत पौलुस कहते हम सब पापी है, हम सब पापी है, धर्मी एक भी नहीं। रोमियों के चिट्ठी अध्याय 3:10, सब पापी धर्मी एक भी नहीं। पाप करते हुए हम ईश्वर की महिमा से अपने आप को अपने वंचित रखा, ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय दया से हम अपने आप को दूर रखा, इसमें ईश्वर निर्दोष है, दोषी हम लोग हैं। इसलिए हमें ईश्वर के दया की ओर आगे बढ़ना है, ताकि हमारे परिवार में उस दया की ज्योति मिले, हमारे परिवार में ईश्वर प्रेम समझकर, उस प्रेम को भर कर एक दूसरों को हम क्षमा दे सके, एक दूसरों को हम प्यार दे सके, एक दूसरों को समझ सके, ईश्वर का नमक और ज्योति बन सके। प्रभु ने खुद कहा तुम इस संसार की ज्योति हो और इस संसार की नमक हो। हम इस संसार की ज्योति बने, इस संसार के लिए नमक बने, प्रभु यही चाहता है। ज्योति आप समझते हैं, जब ज्योति आ जाता है अंधेरा यूं ही चले जाता है, जैसे रोशनी आता है अंधेरे का उधर कोई स्थान नहीं। जो यीशु मसीह का कृपा रोशनी के रूप में परिवार में आता है, वहाँ पाप करने का कोई साहचर्य नहीं रहा, शराब पीने का, झगड़ा करने का, गाली झगड़ा, ये किसी चीज़ का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहाँ पर ईश्वरीय कृपा है। तो लेकिन ये सहायता नहीं चाहता, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा पाप का कारण हमने ईश्वर को दूर रखा। ईश्वर कभी भी हमसे दूर नहीं था, वो हमेशा हमारा साथ था। उनका नाम इम्मानुएल है। ऐसे नबी का हृदय में अध्याय 7:14 में लिखा है, कन्या एक पुत्र का प्रसव करेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब ईश्वर मनुष्यों के बीच में,
और ईश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे बीच रहना चाहता है, हमारे आगे चलना चाहता है, हमारे पीछे हमारे सुरक्षा के लिए चलना चाहते हैं, दाएं बाएं वो चलना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अलग रखा है। हम ईश्वर कृपा से हम दूर हुआ, इसलिए उनकी दया और उनका अनुकंपा हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा पिता परमेश्वर ने जो दया दिखाई मानव जाति की ओर, अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाया पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, वो मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक यीशु मसीह के चरणों पर हम आए, उनकी दया की भीख मांगे और पाप से दूर है, अंधकार के अंधकार में अवस्था से दूर है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तो ज्योति बनकर मेरे अंदर आइए, ज्योति बनकर मेरे आत्मा में आइए, ज्योति बनकर मेरे परिवार में आइए, ज्योति बनकर मेरे समाज में आइए, ज्योति बनकर मेरे पल्ली में आइए, ज्योति बनकर मेरे पड़ोस में आइए, ज्योति बनकर जो लोग मेरे से शत्रुता रखता है वैर रखता है, ज्योति बनकर उनके हृदय में आइए, ताकि प्रभु शत्रु को कभी भी मैं शत्रु ना माने। वचन कहता है शत्रु एकमात्र शत्रु है हमारा संसार में, एकमात्र शत्रु है वो शैतान है, बाकी सब हमारे भाई है या बहन है। लेकिन शैतान बोलता है तुम्हारे साथ ये किया, उसने तुम्हारे साथ ये किया, तो उसको छोड़ना नहीं। ये शैतान की आवाज़ है, शैतान का आवाज़ सुनकर ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पहला पाप किया, जो फल खाया जो नहीं खाना था, जिसको मना किया था, चेतावनी दी ऐसा करोगे तो तुम मरोगे, लेकिन ईश्वर के वचन को ईश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ माना, दूसरों के खिलाफ कुछ बोलता है, दूसरों से वैर रखता है, यीशु मसीह का आज्ञाओं का अब उल्लंघन करता है। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो। तुम पापी होते हुए मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम पापी होते हुए अगर मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें बचा दिया, तुम लोग क्यों एक दूसरे के साथ ये गलत रिश्ता, ये झगड़ा, ये क्यों रखते हो? मेरे प्रेम तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? मेरी आत्मा है तुम्हारे अंदर, और परख कर देखो मेरे प्रेम को, तुम परख कर देखो। जैसे स्वामी जो स्तोत्र ग्रंथकार लिखा है 34:8, परख कर देखो कि प्रभु कितना महान है। हम ईश्वर प्रेम को अभी तक परख कर देखा नहीं, हम ईश्वर को दूर रखा है, उनके दया और अनुकंपा का हम अभी तक नहीं समझा। आइए प्रभु यीशु मसीह का उस अनुकंपा, प्रेम, करुणा, दया, उसका गहराई हम समझे। उसका गहराई को समझने के लिए हमें उस प्रभु का क्रूस के नीचे हमें खड़ा होना है, उस प्रभु का क्रूस के नीचे खड़ा होकर उनका दुख में शामिल होते हुए हम उस महान ईश्वर का प्रेम, महाप्रेम, महाप्रेम जिसका कोई तुलना नहीं, जिसका कोई तुलना नहीं संसार में। संत यौहन कहते देखो ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। संत यौहन का पहला लेखन में अध्याय 3:5-1 में कहते हैं देखो ईश्वर हमें कितना प्यार किया, हमें पुत्र पुत्री बनाने के लिए उन्होंने प्यार किया। गलातियों को ना चिट्ठी में सात पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए हम सब ईश्वर का पुत्र या पुत्री बन गया। गलातियों का नाम चिट्ठी में संत पौलुस अध्याय 3:26 में हम ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्री है। इस बात समझते हुए उस उनका करुणा अनुकंपा दया हमें मांगे, वो दया बरसाने के लिए वो तैयार है। हमारे परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, जीवन का हर पहलू में, हर स्थान में, हर क्षेत्र में उनका दया को हम स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। परम दयालु प्रभु यीशु, प्रार्थना भवन टीवी देखने वाला प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु आपका चरणों पर में रख देता हूँ। हमारे पापों का कीमत में चुकाया उस कालवरी के पहाड़ में, सारा पापों का बोझ आपने सो इच्छा से अपने ऊपर लिया। पिता परमेश्वर ने जो प्याले आपको सौंपा अपने पूरा का पूरा पी लिया प्रभु। उस क्रूस का नीचे खड़ा होकर हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, और आपसे माफ़ी चाहते हैं प्रभु। हमारे पापों के कारण आपको ये सब सहना पड़ा हे प्रभु, और हमारे पाप क्षमा कर,
हम पर दया कर, हमें स्पर्श कर। आइए सब जो लोग मुझे सुन रहे हो उनसे मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, मेरा रिक्वेस्ट है, अब जहाँ पर भी हो ये प्रार्थना दो रहे हैं। हे प्रभु येसु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे माता पिता मेरे पूर्वजों का पाप क्षमा कर, जो लोग परिवार से मर गए उनके आत्मा के ऊपर दया बरसाइए प्रभु, आत्मा उनको शांति दिला दीजिए प्रभु, और जो लोग जीवित हैं हम सबों पर आपकी अनुकंपा दया करना बरसाइए प्रभु। आइए हमारा सारा बोझ प्रभु पर छोड़ दीजिए और एक क्षण उनकी स्तुति करें। हे प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद प्रभु, मेरे बीमारी में मेरे शरीर में तेरी महिमा हो, मेरी शरीर में तेरी महिमा हो, चंगाई के रूप में, चंगाई के रूप में तेरी महिमा तेरे मेरे शरीर में प्रकट हो, शांति के रूप में मेरे आत्मा में तेरी महिमा प्रकट होवे, और नए नए अभिषेक के रूप में मेरे हृदय में मेरे आत्मा में तेरी महिमा प्रकट होवे। ये प्रार्थना करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। सबको जय यीशु।